देशभर में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है और केरल महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोविड 19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जयपुर CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आना चिंताजनक है और देश के कुछ राज्यों में संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में राजस्थान में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि कोविड-19 पॉजिटिव आ रहे नए मरीजों को अब घरों में क्वारंटीन किया जा रहा है और जहां मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं उन स्थानों पर पुलिस जाब्ता भी लगाया जा रहा है ताकि संक्रमण फैल ना सके। वैसे हमारे अपर राजस्थान के अंदर राज्य के अंदर तेजी से कोरोना के अंदर गिरावट आई है, जो देखते हुए हमें सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि अब कोरोना समाप्ति की ओर है, साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, किंतु बीच बीच में जो हमारे देश भारत देश के अंदर अन्य राज्यों में कुछ जो नए स्ट्रेन के केस मिले हैं, साउथ अफ्रीका के जो केस स्ट्रेन का है, UK स्ट्रेन के हैं, उससे हम थोड़ी चिंता बढ़ती है कि तेजी से वहाँ पर वापस कोरोना का फैलाव हुआ है। जो नया स्ट्रेन है उसकी यही वो है कि वो तेजी से फैलाव करता है, तेजी से चपेट में देता है, इसलिए हमें बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। इस समय कोरोना को सराहने की और अवसर है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी पूरा हो जाता है हमारा तो यहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद ही कोरोना वायरस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर राज्य के अंदर तेजी से कोरोना के अंदर गिरावट आई है, जो देखते हुए हमें सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि अब कोरोना समाप्ति की ओर है, साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, किंतु बीच बीच में जो हमारे देश भारत देश के अंदर अन्य राज्यों में कुछ जो नए स्ट्रेन के केस मिले हैं, साउथ अफ्रीका के जो केस स्ट्रेन का है, UK स्ट्रेन के हैं, उससे हम थोड़ी चिंता बढ़ती है कि तेजी से वहाँ पर वापस कोरोना का फैलाव हुआ है। जो नया स्ट्रेन है उसकी यही वो है कि वो तेजी से फैलाव करता है, तेजी से चपेट में देता है, इसलिए हमें बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। इस समय कोरोना को सराहने की और अवसर है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी पूरा हो जाता है हमारा तो यहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के पिछले कुछ समय से हमारे